जनाब अब हम कहानी डिस्कस किस चीज की कर रहे हैं, टोटोमेरिज्म। आखिर ये टोटोमेरिज्म है क्या? देखो बात ये होती है NH2। अब दो दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक तरफ COOH, एक तरफ NH2। दो दो फंक्शनल ग्रुप, एक एसिडिक और एक बेसिक, ये कहलाते हैं अमाइनो एसिड्स। टोटोमेरिज्म में ये होता है कि प्रोटॉन शिफ्ट हो जाता है, प्रोटॉन बोले तो H पॉजिटिव। अब ये यहाँ से शिफ्ट हुआ तो भाई यहाँ तो नेगेटिव आ गया, और ये कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, NH2 को NH3 पॉजिटिव कर दिया, और अब ये कहलाएगा ज़ोल्टानाइन। और इस आइसोमेरिज्म को, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम क्या कहेंगे, टोटोमेरिज्म। बेसिकली टोटोमेरिज्म में होता क्या है, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। और इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमाइनो एसिड से ज़ोल्टानाइन का बनना। तो क्या अमाइनो एसिड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होने के बावजूद वाटर सॉल्यूबल है, और रीज़न क्या है, ये ज़ोल्टानाइन बनना। जहाँ आयन बन जाएगा किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो कि शाज़ो नादिरी बनता है, तो फिर याद रखो वाटर में सॉल्यूबल हो जाएगा।